गाइस, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि मैंने एक ओल्ड साड़ी से शरारा बनाया था, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दे दूंगी, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उसी साड़ी से पैप्लम कुर्ती को बनाने का तरीका बताऊंगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पिया शिल्पकार। पैप्लम कुर्ती को बनाने के लिए आपको 2 मीटर कपड़ा चाहिए। मैंने कुर्ती को साड़ी से बनाया है और इसमें मैंने 1.5 मीटर अस्तर का यूज किया है। कुर्ती के लिए हमें जिन मेजरमेंट्स की जरूरत है वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। कुर्ती कट करने के लिए सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेंगे, फिर बॉडी यानी चोली की लंबाई का निशान लगाएंगे। चोली की लंबाई रेडी होने के बाद 14.5 इंच चाहिए, तो 1 इंच सिलाई का जोड़कर 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर को हाफ करके लेते हैं, तो शोल्डर है 14.5 इंच, तो 14.5 का हाफ होगा 7.25 इंच। नीचे भी 7.25 इंच पर मार्क करके लाइन बना लेंगे। अब आर्म होल को मार्क करेंगे। आर्म होल राउंड है 16 इंच, तो इसको आधा करके 1 इंच घटाकर मार्क करेंगे, क्योंकि आर्म होल राउंड में होता है तो गोलाई की वजह से ये बराबर हो जाता है। अब चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट है 37 इंच, इसमें 3 इंच लूजिंग का जोड़ेंगे तो 40 इंच, और अब इसका चौथाई करेंगे तो 40 का चौथाई 10 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच मार्जिन का लेंगे। चेस्ट वाले निशान से आर्म होल को गोलाई दे देंगे। इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 33 इंच, इसमें 3 इंच लूजिंग का जोड़ेंगे तो 36 इंच होगा। अब इसका चौथाई करेंगे तो 36 का चौथाई होगा 9 इंच। 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। सिलाई मार्जिन आप कम भी रख सकते हैं, पर ध्यान रहे कम से कम 1 इंच का मार्जिन जरूर रखें और हर जगह बराबर मार्जिन रखें। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। अब फ्रंट आर्म होल के लिए आर्म होल वाली लाइन पर अंदर की साइड 1 इंच मार्क करेंगे और शोल्डर से तिरछा मिलाकर गोलाई देंगे। ये मार्क हम आर्म होल का निशान लगाते वक्त ही कर लेंगे, मैं उस टाइम भूल गई थी इसीलिए अब कर रही हूँ। अब इसे कट कर लेंगे। अब दोनों पार्ट्स को सेपरेट करके फ्रंट के आर्म होल को कट करेंगे। नेकलाइन बकरम पर कट करेंगे, इसीलिए अभी नहीं काटा है। अब चोली को मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। चोली के बैक पार्ट को प्लेन रखना है, इसीलिए प्लेन फैब्रिक पर अस्तर को रखकर बैक की कटिंग करेंगे। इसी तरह से फ्रंट चोली को भी कट कर लेंगे। इसके बाद कुर्ती के घेर को काटेंगे। इस घेर को मैंने 8 कलियों में बनाया है। एक्चुअली मुझे चुन्नटों वाला घेर नहीं चाहिए था और अम्ब्रेला जितना फैब्रिक नहीं था, इसीलिए मैंने इसे कलियों में बनाया है। कलियों को काटने के लिए मैंने कपड़े को 8 फोल्ड में रख लिया है। पहले लंबाई को मार्क करेंगे। लंबाई के लिए कुर्ती की फुल लेंथ में से चोली की लेंथ को घटा देंगे। कुर्ती की फुल लेंथ है 33 इंच, इसमें चोली की लेंथ 14.5 इंच घटा देंगे तो 18.5 इंच आएगा। अब इसमें 1.5 इंच मार्जिन का जोड़कर 20 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस फोल्ड किए हुए कपड़े की चौड़ाई 10.5 इंच है, तो इसका आधा करके बिल्कुल बीच में एक लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन पर ऊपर की साइड कली के सकरे वाले भाग को मार्क करेंगे। इसके लिए मैंने पहले चोली की कमर को नाप लिया है। मार्जिन और लूजिंग को जोड़कर कमर है 44 इंच। इस 44 को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 44 का 8वां भाग होगा 5.5 इंच, तो कली का ऊपर का पार्ट होगा 5.5 इंच का और नीचे का पार्ट होगा 10.5 इंच का। अब जो लाइन हमने बनाई थी उसके दोनों साइड 2.75 इंच पर मार्क करेंगे और 0.5 इंच सिलाई का भी दोनों साइड मार्क कर लेंगे। मैंने डायरेक्ट 3.5 इंच दोनों साइड मार्क किया है सिलाई का जोड़कर। अब इन दोनों निशानों को नीचे तिरछा मिला देंगे। अब इसे कट कर लेंगे और कलियां तैयार हैं।
अब घेर के अस्तर को काटेंगे। पहले अस्तर के कपड़े को फोर फोल्ड में रखेंगे और कपड़े को सीधा करने के लिए लाइन बना देंगे। अब लंबाई को मार्क करेंगे। अस्तर की लंबाई मैन फैब्रिक से कम होती है, इसीलिए इसकी लंबाई 16.5 इंच रखी है। अब कमर का मार्क करेंगे। कमर का मार्क जितना हमने चोली में रखा है उतना ही यहाँ रखेंगे, यानी कि 9 इंच, और 2 इंच मार्जिन कर लेंगे। अब इस कमर के मार्क को बॉटम से मिला देंगे। बॉटम की चौड़ाई 15 इंच है। अब इसे कट कर लेंगे। अस्तर के सेंटर पर कट लगाकर निशान बना देंगे। इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। पहले कलियों को जोड़ लेंगे। 4 कली फ्रंट के लिए और 4 कली बैक साइड के लिए अलग अलग जोड़ेंगे। अब बैक और फ्रंट दोनों के अस्तर को घेर के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अस्तर को सेंटर से मिलाते हुए सिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट शेप को कट करेंगे। इसके लिए पेस्टिंग पेपर लिया है। इस पेपर को डबल करके बंद वाली साइड मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई 4.25 इंच ली है। और गले की गहराई 6.25 इंच ली है। अब इन निशानों को मिलाते हुए एक रेक्टेंगल का शेप बना लेंगे। अब गले की चौड़ाई वाली लाइन पर 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस लाइन को 6.25 इंच वाले निशान से मिला देंगे। अब इस तिरछी लाइन के बीच में निशान लगाएंगे। इस निशान पर ऊपर की साइड 0.5 इंच पर निशान लगाकर हल्का कर्व देते हुए गोलाई देकर एक शेप बनाएंगे। अब इस नेक के शेप के बाहर की तरफ 1 इंच पर मार्क करते हुए शेप को कंप्लीट करेंगे। अब नेक के डिजाइन को कट कर लेंगे। नेक डिजाइन को कट करने के बाद जो हमें पतली वाली पट्टी मिली है हमें उसे यूज करना है, बाकी का वो हटा दिया जाएगा। अब इस नेक के डिजाइन को एक कपड़े पर पेस्ट कर देंगे और कपड़े को शेप के अकॉर्डिंग कट करके कॉर्नर पर कपड़े को फोल्ड करके सिल देंगे। अब बॉडीज के फ्रंट पार्ट को सेंटर पर मार्क करेंगे और इस मार्क पर नेक शेप को रखकर बीचों बीच सिलाई लगाएंगे।
इसके बाद गले की डिजाइन में सिलाई लगाएंगे। अब 2 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए नेक को कट कर लेंगे। पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और पट्टी को फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। नेक डिजाइन बनकर रेडी है। इसी तरह बैक नेक को भी रेडी कर लेंगे। बैक नेक राउंड नेक है और इस नेक को मैं बनाने का तरीका कई बार वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बैक नेक की चौड़ाई 4.25 इंच और गहराई 4 इंच है। अब फ्रंट एंड बैक पार्ट के शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर्स ज्वाइन करने के बाद नेक को फोल्ड करके हैंड स्टिच से फिनिशिंग कर देंगे और अब स्लीव्स कट करेंगे। पहले स्लीव्स की लेंथ को मार्क करेंगे। रेडी होने के बाद स्लीव 4 इंच की चाहिए तो इसीलिए 1.5 इंच मार्जिन को जोड़कर 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर दिया है। अब ऊपर से नीचे की साइड 3 इंच पर मार्क करेंगे और एक लाइन बना लेंगे। इस लाइन पर और बॉटम पर आस्तीन की फिटिंग का मार्क करेंगे। स्लीव राउंड है 14 इंच तो इसका आधा 7 इंच पर दोनों जगह मार्क करेंगे। अब इस बीच वाली लाइन पर उस मार्क से आगे 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच मार्जिन का लेंगे। बॉटम में भी 2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब दोनों निशानों को तिरछा मिलाएंगे। अब आगे वीडियो के अनुसार स्लीव को शेप दे देंगे। स्लीव कटिंग का डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब स्लीव्स के बीचों बीच अंदर की साइड 1 इंच पर मार्क करके गोलाई देंगे। ये निशान से 5-3 में फ्रंट में लगाएंगे। वीडियो में ध्यान से देखिए, मैंने ओनली ऊपर के 2 पार्ट को ही कट किया है। दोनों आस्तीन के बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। अब आस्तीन को कुर्ती पर लगाएंगे। आस्तीन के सेंटर को कुर्ती के शोल्डर पर बीचों बीच रखकर सिलाई शुरू करेंगे। आस्तीन के परफेक्ट शेप और फिटिंग के लिए आस्तीन हमेशा बीच से शुरू करके ही लगानी चाहिए। दोनों आस्तीनों को लगाने के बाद बॉडीज की कमर में सेंटर पर मार्क करेंगे। और इस मार्क पर घेर के सेंटर को रखते हुए घेर को जोड़ लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों घेर को इसी तरह से जोड़ेंगे।
बॉडीज और घेर को जोड़ने के बाद कुर्ती में फिटिंग लगाएंगे। कुर्ती या किसी भी ड्रेस में फिटिंग लगाने का सबसे सिंपल तरीका है कि जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा है उतना दोनों साइड निशान लगा लो। मैंने 2 इंच मार्जिन छोड़ा था तो 2 इंच पर दोनों साइड निशान लगा लिया है। इसी तरह कमर का भी मार्क करके इन निशानों को आपस में मिला देंगे। कमर के निशान से हल्का तिरछा करते हुए घेर पर नीचे तक निशान लगाएंगे। अब इन निशानों पर स्टिचिंग लगा देंगे। दोनों साइड फिटिंग डालने के बाद घेर के बॉटम को फोल्ड कर सिल देंगे। कुर्ती रेडी हो चुकी है। Let me know if you like this video and give me a big thumbs up. So that's all for today. See you again with more such videos. Till then, bye. Thank you for watching.